दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं, जो ट्यूटोरियल है वीडियो का वो है डायरेक्ट मार्केटिंग के ऊपर। तो डायरेक्ट मार्केटिंग के ऊपर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बताऊंगा कि इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, और ये आखिर होती क्या चीज़ है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग की डेफिनेशंस पे स्टार्ट करते हैं कि ये एक तरह का ऐसा बिजनेस है जो कि प्रोडक्ट को सेल करने या सर्विसेज करने में काम में आता है। इसके इसमें क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट्स होता है वो कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर देते हैं, यानी कि बीच में जो चेन्स होती हैं किस किस की, होलसेल्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की और रिटेलर्स की, वो चेन ख़त्म हो जाती है। तो जो प्रोडक्ट्स है वो सीधा कंपनी से उठता है और फैक्ट्री से उठता है जहाँ माल बन रहा है, और वो डायरेक्ट सेल हो जाता है कस्टमर को। और ये इसके सर्विसेज कैसे, किस किस का मीडियम क्या क्या होंगे इसके, या तो मेल ऑर्डर के थ्रू, या फिर टेलीफोन टेलीफोन पे, या फिर कोई और अदर्स किसी और रिटेलर्स के थ्रू हम डायरेक्ट सेल कर सकते हैं कस्टमर को। तो इसके ये तो डेफिनेशंस हो गई। अब इसके बेनिफिट में डायरेक्ट मार्केटिंग के आपको बताना चाहता हूँ कि बेनिफिट्स क्या क्या है बायर्स को, जो इसको ख़रीदेगा और बायर्स को ख़रीदेगा और जो सेलर जो इसको बेचेगा उसको क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो सबसे पहले तो बेनिफिट्स करते हैं बायर की, जो इसको बाय करेगा यानी इसको परचेस करेगा। तो कन्वीनियंट है, इजी, आसान है। वेल तो प्रोडक्ट्स, मतलब जो बायर्स है उसके लिए कन्वीनियंट है, ईजी है, वेल्थ ऑफ प्रोडक्ट्स है, इंफॉर्मेशंस है, इंटरैक्टिव है, इमीडिएट है, ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं। और जो सेलर्स है उसके लिए क्या क्या बेनिफिट है, उसके लिए लो कॉस्ट है, एफिशिएंट है, स्पीडी है, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसीज है, फ्लेक्सिबिलिटीज है, एक्सेस टू बायर्स है, जो ये सब बेनिफिट्स हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के सेलर्स और बायर्स के लिए। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर बात आती है। तो जो एडवांटेजेस है वो इसमें क्या है कि जो सोर्सेज है, जो रिसोर्सेज है, वो उनका डायरेक्ट ही जो फोकस होता है वो लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर होता है, कम ही जो रिसोर्सेज होते हैं जिस पर टारगेट किया जा सकता है वो लिमिटेड होता है। और जो है जो जो अपना जो मार्केटिंग का मैसेज है उसको ये पर्सनलाइज कर सकते हैं, जो भी मार्केटिंग का मैसेज होता है। और जो इसमें आसान होता है काफ़ी, जो उनका रिस्पांस और सक्सेस, जो भी रिस्पांस मिलता है, जो भी फीडबैक मिलता है बायर्स सेलर से या कस्टमर से जो इसे ख़रीदता है, उससे डायरेक्ट हमको रिस्पांस मिल जाता है। और डिफरेंट मार्केटिंग मैसेज को जो भी टेस्ट होता है वो डिफरेंट मार्केटिंग मैसेजेस के लिए काफ़ी आसान होता है, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है अगर डाटाबेस अच्छी तरह इसका मैनेज किया जाता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है। इसके नेगेटिव पॉइंट्स है कि जो रिस्पॉन्स रेट्स होता है वो काफ़ी एनमोर्सली होता है, काफ़ी की ज़्यादा हाई रहता है काफ़ी, और जो कॉस्टली रहता है कंपेन्स का वो काफ़ी इनइफेक्टिव होता है। और नेगेटिव इमेज होती है जंक मेल और ईमेल स्पैम की, काफ़ी बहुत सारे जंक मेल और बहुत सारे स्पैम मेल इसके अंदर हो जाते हैं। और जो डाटाबेस होता है इसको मेंटेन करने का वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। ये थी डायरेक्ट मार्केटिंग तक कौन कौन सी स्टेजेस आती है। एक तो डायरेक्ट मेल, टेली मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ब्रॉडकास्ट फैक्सिंग, कूपनिंग, डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, ये सारी की सारी स्टेजेस है, ज़्यादा के सारे स्टेप्स है जो कि मर्ज होते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग में। अब इसमें ग्रोथ और बेनिफिट्स, ये दोनों चीज़ मैंने बता दी थी कि इसे ग्रोथ ये भी है कि ये कन्वीनियंट है, आसानी से बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे हम एक्सेस कर सकते हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनके बारे में एक्सेस हो जाता है, और ये काफ़ी इमीडिएट और इंटरेक्टिव है। तो ये सारी ग्रोथ और बेनिफिट्स हैं और ये डायरेक्ट मार्केटिंग के ऊपर है। तो बताइए वीडियो आज का कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स पेश कीजिएगा,
और आने वाली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।